हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अनलाइक अदर्स। सो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बंजारा मार्केट। सो बंजारा मार्केट में आपको वॉल हैंगिंग से लेकर होम डेकोर से लेकर प्लांटर्स, ट्रेज, सिरेमिक प्लेट्स, आपको हर एक चीज मिलेगी वहाँ पे। यहाँ पर सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 56। वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं, ई रिक्शा ले सकते हैं। सो इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड ईजी टू कम हियर। अब जैसे कि दिवाली बस आने ही वाली है एंड किसको अपना घर सजाना पसंद नहीं है, तो वैसे ही हम भी चले गए बंजारा मार्केट अपने घर को थोड़ी सी न्यू लुक देने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी एक्सपेंसिव वो कोट करेंगे, बट बार्गेनिंग के बाद आपको वो मिल जाएगी बिल्कुल आपके ईज पे। नाउ लेट मी टेल यू कि प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बंजारा मार्केट से। सो स्टार्टिंग में आपको पटरी पर कुछ कुछ चीज़ें दिख जाएगी स्टार्टिंग में, जैसे कि ऑटोमॉन्स दिख जाएंगे आपको, कारपेट की एक शॉप दिख जाएगी, लैम्प की एक शॉप दिख जाएगी, मिरर की एक शॉप दिख जाएगी। उसी के ही बिल्कुल सामने एक बहुत ही बड़ी कारपेट की शॉप है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पर सिरेमिक के भी काफ़ी सारे मटेरियल्स थे, जैसे कि आपके डाइनिंग के लिए, डाइनिंग सेट के लिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर शो पीस भी थे जो कि आप अपने कंसोल, अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। इसी लेन में जैसे ही आप आगे आगे जाएंगे तो दुकान स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में आपको मंदिर बनाने के लिए एक कबर्ड जैसा भी मिल जाएगा जो कि वाइट कलर का होगा। दैट्स अ प्योर कलर, वेरी प्रिटी कलर। आपको यहाँ पे लैम्प्स मिल जाएंगे, सेंटर टेबल्स मिल जाएगी। नाउ दोज सेंटर टेबल्स वर इन टू कलर। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो दैट वाज इन ब्राउन कलर, अगर पेंट करवाना है तो दैट वाज इन वाइट कलर आल्सो। इसी लेन में आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स दिखेंगी जो वो स्टार्टिंग में कोट कर रहे थे 300, बट लिटरली मैं बताऊँ तो इसमें बिल्कुल भी वो कम करने के लिए रेडी ही नहीं थे। मिनिमम उन्होंने किया था 200। आगे ही बढ़ते आपको दिवाली के काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो सब ने अपने दिया रखने वाली ट्रेस बनानी शुरू कर दी है। यहाँ पर चाइना बोन की काफ़ी ज़्यादा कटलरीज थी। हर दुकान में आपको कटलरीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट रेट आपको सेम मिलेगा। टेबल्स काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी न्यू डिज़ाइन आ गए हैं। प्लांटर्स है, प्लांटर्स के साथ साथ छोटे छोटे टेबल्स भी थी। जो टेबल्स उन्होंने स्टार्टिंग में कोट किया था वो किया था 1500 के आसपास, बट वो आपको 1200 तक मिल जाएगा। कुछ कुछ लोग ज़्यादा भी कोट कर रहे थे, बट वही है कि 1200 तक आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स थी जो आप अपने बैल्कनीज में लटका सकते हैं, अपने रूम्स में लटका सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रेट पे थे। शो पीस तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आए थे जो कि आपको मॉल पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। गोल्ड वॉल हैंगिंग्स थी जो मॉल्स में अगेन आपको डबल द रेट मिलेगा एंड वहाँ पे तो कोई डिस्काउंट हार्डली आपको मिलेगा। यहाँ को आपको वही सेम चीज़, आपको ये गोल्ड वाला जो दिख रहा है सामने मेटल का, ये आपको मिलेगा 1200-1100 तक का, क्योंकि वो और कम करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। आगे ही जाके ना एक लिटरली एक रूम था जहाँ पर आपको ऐसे सेट्स मिल रहे थे जो उन्होंने बताया था कि ये शीशम का है, शीशम का सब कुछ बना हुआ है। दैट आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल्स थे, कंसोल टेबल्स थे, आपकी मर्जी, आपको शीशे के साथ लेना है, शीशे के बिना लेना है, आपको बीच में पोर्ट्रे लगानी है या कोई फोटो लगानी है, दैट वॉज अप टू यू। नाउ दीज वाज फॉर अराउंड 3000-2500। कोट इतना करते हैं बट वो बार्गेनिंग के बाद थोड़ा कम कर ही लेते हैं। टेबल्स बहुत सुंदर थी, यहाँ पे टेबल्स के सेट्स मिल रहे थे 4000-5000 के, बट आपको 3 का जो सेट है वो आपको 3000 से कम बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बच्चा भी था जो कि आराम से सो रहा था, इतना शोर था, गर्मी थी, बट इसको मस्त था। आगे जाकर आपको यहाँ पे कारपेट्स मिलेंगे उसी दुकान के बिल्कुल सामने। उसी के साथ में कटलरी की अगेन आपको शॉप मिल गई, टेबल्स की शॉप मिल गई, प्लांटर्स की शॉप मिल गई। ये जो पेंट हो रहा है ये मेरा पेंट हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ ली है, जब को एंड में मैं दिखाऊंगी। आगे जाकर हमें और टेबल्स मिली तो कंसोल्स काफ़ी प्यारे आए, काफ़ी न्यू डिज़ाइंस आए, लैम्प के भी काफ़ी ज़्यादा न्यू डिज़ाइंस आए, बेंच आई है, बेंच को ये पॉलिश करके दे रहे थे कुछ कुछ दुकानों में, बट कुछ कुछ दुकानों में ये ऐसे ही दे भी रहे थे। नाउ यहाँ पर इनके पास प्रॉपर मेजरमेंट टेप्स थी जिससे आपको वो पूरा मेजर करके देंगे। इंची टेबल उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, सो विच इज़ अ वेरी गुड क्योंकि आप अपना मेजरमेंट्स लेकर जा सकते हैं। उसी लेन में आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये क्लॉथ बास्केट मिलेगी, आपको ये ऑटोमन्स मिलेंगे, आपको कारपेट्स मिलेंगे,
अब उन क्लॉथ बास्केट्स में आप अपने कपड़े रख सकते हैं या कोई भी चीजें रख सकते हैं। मग्स काफी सुंदर थे, 40-50 के भी थे, बट ये जो सिरेमिक चाइना बोन वाले ये आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, आसपास 150-200 के, और वो कम करेंगे ज्यादा से मैक्स टू मैक्स 120-130। दिवाली का भी काफी सारा सामान आ रखा था, वहां पे ट्रेस थी, दिया ट्रेस थी, वहाँ पे लैम्प्स थे, दिया सजाने के लिए भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लैम्प्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे आ चुका है। इसी दुकान के बिल्कुल सामने अब आपकी मार्केट लिटरली स्टार्ट होगी, जो कि बहुत स्ट्रेच्ड है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको प्लेट्स दिखेंगी, सिरेमिक की प्लेट्स दिखेंगी, आपको चाइना बोन की प्लेट्स दिखेंगी, जो कम से कम वो आपको दे रहे थे 200 रुपये का, जो आई थिंक ठीक भी है, क्योंकि अगर यही चीज़ आप हम मॉल से लेंगे या कहीं से भी लेंगे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। नाउ दीज बोल्स जिसमें आप चावल दाल वगैरह डालते हैं, ये आपको 1200-1500 कोट कर रहे थे, बट वही बात है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। नाउ यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे जो कि काफ़ी सुंदर थे, और इनकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी थी जैसे आपको मॉल्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास फाउंटेन्स थे, यहाँ पर आपके पास लिटरली इतने सुंदर सुंदर शिव जी गणेश जी के आपको बहुत ही प्यारे प्यारे मिलेंगे। देन अंदर घुसते ही फिर आपको और भी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, आपको और भी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेंगी, जैसे गणेश जी का जो फेस है ये उन्होंने 3500 का कोट किया था। इसी के सामने बुद्धा का भी था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, जो कि 3500 का था। सो ठीक है, मतलब प्राइस ठीक है, बट अगर हाँ अगर आप इनको कम करने के लिए बोलेंगे तो ये ज़रूर कम कर देंगे, बट मैक्सिमम ये जो करेंगे 3000 कर देंगे, 2500 कर देंगे, उससे कम ये नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था। यहाँ पर ब्लैक कलर के भी थे एंड वाइट। ऑटोमन्स काफी सुंदर थे, डिजाइन लिटरली बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज्यादा कलरफुल थे, बहुत ही पेपी कलर्स थे। सो अंदर घुसते ही आपको और वैरायटीज भी मिल रही थी, अगर आपको 2 सीटर चाहिए, 1 सीटर चाहिए, सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे ये रेड वाला बहुत ही प्यारा लगा था। आगे बढ़कर आपको दुकान मिलेगी कारपेट्स की। नाउ कारपेट्स फॉर लाइक 4000-3000, ये छोटे वाले आपको 300-400 तक के आराम से मिल जाएंगे। ये वॉल हैंगिंग्स थी, आप ना इसको पेंट करके बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी वॉल हैंगिंग्स भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा 3D इफेक्ट था, लाइक यू नो आप इसको टच करोगे तो ये एम्बॉज्ड है, सो लाइक इट इज रियली ग्रेट एंड इट विल रियली लुक नाइस इफ़ यू हैव यू नो आइडिया। नाउ मिरर से काफ़ी अच्छी वेराइटीज थी, ये मिरर 1500 का कोट कर रहे थे, 2500 का कोट कर रहे थे। बुक शेल्व्स थी, प्लांटर्स थे, बुक शेल्व्स आपको ये वाला जो सामने वुडन वाला है ये कोट किया था 1500 का, ये जो दिया है दिवाली के लिए ये 1500 के वो कोट कर रहे थे। वॉल हैंगिंग्स सेम, ये इन्होंने कोट किया था 3500 का। नाउ शो पीस भी काफ़ी सुंदर थे, जो आपको ये फेस दिख रहे हैं फेस मास्क, इन्होंने पहले मुझे 2500 कोट किया था, बट देन कम करते 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 इन्होंने मुझे 800 रुपये का बोल दिया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज है आपके पास वास की। अब किसी दुकान में आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, किसी दुकान में अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे दाम पे भी मिल जाएगा। पिलोज भी थे, पिलोज काफ़ी कलरफुल थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मैंने भी 2 पिलोज लिए हैं। एंड देन ऑटोमॉन्स है, पिलोज मैंने लिए थे आई गेस लास्ट टू लास्ट टाइम, उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग में मैंने जितने भी सारी चीज़ें ली है मैं एंड में आपको ज़रूर सब दिखाऊंगी। मार्केट बहुत भरी हुई थी क्योंकि आज संडे था, यहाँ पर टेबल्स बहुत सुंदर थी। मैं लेकर आई हूँ ये 2 वास जो कि मुझे पड़े थे दोनों 400 के, 2-200 ईच। देन मैं ये वॉल हैंगिंग लेकर आई हूँ जो मुझे पड़ा था 1500 का, जो उन्होंने कोट किया था 3000-2500, बट मैं घिसाते अपना 1500 में ले आई। फिर मैं ये टेबल लेकर आई, ये टेबल मुझे पड़ा था 1200 का, पहले उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा महंगा कोट किया था, बट मैं 1200 का खिंचाखिंच ले आई थी। उसके बाद मैंने दिवाली के लिए अपने ये कैंडल होल्डर्स लेकर आई जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे, काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, ये मुझे 2 पड़े थे 1500 रुपये के। इसके बाद मैंने ऑटोमन्स लिए थे एंड शीशा लिया था एक वॉल हैंगिंग, तो ये ऑटोमन्स मैंने लिए थे 2000 के, क्योंकि ये थोड़े लेंथ में बड़े थे तो मुझे लगा कि हाँ वर्थ है, सो आई जस्ट गॉट देम।
ये मैंने लैम्प लिया था 800 रुपीस का, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो आपको वायरिंग सब कुछ कर देंगे, आप लैम्प मतलब बल्ब आपको खुद लेना पड़ेगा, बट वायरिंग लैम्प के आपको सब कुछ करके देंगे। ये वॉल हैंगिंग मैंने ली थी, अब वो कोट करे थे 3,000-2,500, बट मैं खिचखिचा के इसको 800 रुपये में ले आई थी। सो गाइज, इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गेट देम। देन मैं ये अगेन एक कैंडल होल्डर लेकर आई फॉर माई डाइनिंग टेबल, बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट प्राइस उन्होंने 1500 बताया, बट कोट किया था 3,500 रुपये। ये वाला मैं कंसोल लेकर आई हूँ फॉर 2,500 रुपीस, जो कि उन्होंने कोट किया था 4,500-4,000, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैं खिचखिचा के उतने का ले आई। दैट्स इट यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन।